अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडेम के बारे में, उसके अलावा इसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मॉडेम। मॉडेम बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग डाटा जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं टू कंप्यूटर्स के दरमियान किसी भी टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। अब मॉडेम बेसिकली हमारे पास टू यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। जो मॉड्यूलेटर होता है ये मॉड्यूलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड सेंड इट ओवर टेलीफोन लाइन्स। जो मॉड्यूलेशन होती है बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। यू कैन सी इन डायग्राम हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक कंप्यूटर डिवाइस है, कंप्यूटर ए, जो कि एज अ सेंडर एक्ट कर रही है, एंड राइट साइड पे एक कंप्यूटर डिवाइस है जो कि एज अ रिसीवर एक्ट कर रही है। अब दोनों डिवाइसेज जो सी हैं वो मॉडम्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। इट्स मीन कि हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए सेंडर और रिसीवर साइड पे मॉडम का होना कंपल्सरी होता है। अब जो सेंडर साइड पे मॉडम होता है उसमें से जो मॉड्यूलेटर होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो रिसीवर साइड पे मॉडम होता है उसमें डी मॉड्यूलेटर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब ये वर्किंग किस तरह करता है? जब हमारे पास सेंडर कंप्यूटर में कोई डाटा सेंड करना होता है तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है। कंप्यूटर में जो डाटा हमारे पास होता है वो 01 की फॉर्म में होता है, मीन्स डिजिटल फॉर्म में होता है, तो वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा। जो मॉडम होता है वो क्या करता है, इन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर उन एनालॉग सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ट्रांसमिट कर देता है। सो रिसीवर साइड पे क्या होता है, मॉडम में जो डी मॉड्यूलेटर वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, इन एनालॉग सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन्स के थ्रू रिसीव करता है और उन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेंड कर देता है। इस तरह हमारे पास जो मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का ऑपरेशन होता है, वर्किंग होती है, वो परफॉर्म की जाती है। फीचर्स ऑफ मॉडम। मॉडम बेसिकली हमारे पास हमें डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसमें फर्स्ट वन है स्पीड। द रेट एट विच मॉडम कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट आवर कम्युनिकेशन मीडिया इज कॉल्ड मॉडम स्पीड। अब मॉडम स्पीड क्या होती है? मॉडम स्पीड बेसिकली हमारे पास वो स्पीड होती है जिस स्पीड में जो मॉडम है वो डिजिटल को एनालॉग एंड एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट करता है, उस स्पीड को हम लोग मॉडम स्पीड कहते हैं। एक टर्म होती है ट्रांसमिशन रेट। जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो हमें ये बताता है कि एक मॉडम कितने नंबर ऑफ बिट्स को एक सेकंड में ट्रांसमिट कर सकती है, जबकि जो स्पीड होती है वो ये बताती है कि जो मॉडम है वो कितनी स्पीड में डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में एंड एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जो हमारे पास मॉडम की स्पीड होती है वो बिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है। जो डिफरेंट मॉडम्स होते हैं उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। जो प्रीवियस मॉडम होते थे उनकी हमारे पास 2400 बिट्स पर सेकंड के साथ भी हमारे पास अवेलेबल थे, 9600 बिट्स पर सेकंड के साथ भी अवेलेबल थे, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स हैं उनकी जो हमारे पास मॉडम स्पीड है वो 56 केबी पर सेकंड है। नेक्स्ट जो फीचर्स हमें ये प्रोवाइड करता है मॉडम वो है सेल्फ टेस्टिंग। मॉडम हैज अ कैपेबिलिटी टू चेक द एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कनेक्शन ऑटोमेटिकली। जो मॉडम होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एनालॉग और डिजिटल कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं। मींस कि जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो वो उनका जो कनेक्शन होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, तो ये उसको भी टेस्ट कर सकता है। या जब एक मॉडम किसी दूसरे रिमोट मॉडम के साथ कनेक्ट होता है तो उनका जो कनेक्शन होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, तो ये उसको भी टेस्ट कर सकता है। सो मॉडम में जो हमारे पास एक फीचर प्रोवाइड करता है वो है सेल्फ टेस्टिंग का। नेक्स्ट जो फीचर प्रोवाइड करता है वो है वॉइस ओवर डाटा। मीन्स के मॉडम आल्सो अलाउज वॉइस कन्वर्सेशन व्हाइल डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। मीन्स कि जब हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो मॉडम हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डाटा ट्रांसमिट करने के साथ साथ अपनी वॉइस कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग डीएसएल मॉडम यूज़ करते हैं तो जो डीएसएल मॉडम आजकल यूज़ किए जाते हैं उनमें ये फैसिलिटी होती है कि आप एट द सेम टाइम टेलीफोन लाइन्स के थ्रू टेलीफोन कॉल्स भी कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप इंटरनेट सर्विस को भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मॉडम। जो मॉडम है वो फिजिकल साइज एंड शेप के लिहाज से 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट वन एक्सटर्नल मॉडम, इंटरनल मॉडम एंड वायरलेस मॉडम। लेट्स स्टार्ट विद एक्सटर्नल मॉडम।
इट इज़ एन एक्सटर्नल यूनिट ऑफ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू अ सीरियल पोर्ट कॉल्ड कॉम वन एंड कॉम टू ऑफ कंप्यूटर बाय मींस ऑफ केबल. जो एक्सटर्नल मॉडम होता है, ये हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट होता है कंप्यूटर का, इसको हम लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं. जो सीरियल पोर्ट्स कॉम वन एंड कॉम टू होती हैं, ये बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट्स होती हैं किसी वायर या केबल के थ्रू. इट इज़ आल्सो लिंक टू टेलीफोन लाइन थ्रू अ टेलीफोन वॉल जैक. जो एक्सटर्नल मॉडम होते हैं, इसको हम लोग टेलीफोन लाइन्स के साथ भी लिंक्ड करते हैं, और वो जो लिंक्ड किए जाते हैं वो टेलीफोन वॉल जैक के थ्रू लिंक किए जाते हैं. ये जो मॉडम होते हैं उनके ऊपर ये टेलीफोन वॉल जैक बनी होती है जिसके थ्रू हम लोग टेलीफोन लाइन्स को कनेक्ट करते हैं, और उसके अलावा कुछ अदर पोर्ट्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं. जो हमारे पास एक्सटर्नल मॉडम होते हैं, ये पोर्टेबल होते हैं, मीन्स इनको ईजिली हम लोग एक पीसी से दूसरे पीसी तक कैरी कर सकते हैं. इनको इंस्टॉल करना इजी होता है क्योंकि इनको हम लोग विद इन कंप्यूटर्स इंस्टॉल नहीं करते, बट ये एक्सपेंसिव होते हैं और इनका जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल मॉडम. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल मॉडम. एन इंटरनल मॉडम इज अ सर्किट बोर्ड दैट इज इंस्टॉल्ड इनटू वन ऑफ द एक्सपेंशन स्लॉट इनसाइड द सिस्टम यूनिट ऑफ कंप्यूटर. जो इंटरनल मॉडम होते हैं, ये सिस्टम यूनिट के अंदर इंस्टॉल्ड किए जाते हैं, और इनको आप यू कैन सी इन डायग्राम हमारे पास ये एक्सटर्नल इंटरनल मॉडम्स हैं. इनको हम लोग सिस्टम यूनिट में किसी भी स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करते हैं और इनको टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ, बट ये पोर्टेबल नहीं होते, मींस कि इनको हम लोग इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैरी नहीं कर सकते. लेकिन इनको कॉन्फ़िगर करना जो था वो डिफ़िकल्ट होता है. डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इन्हें हम लोगों ने विद इन सिस्टम कॉन्फ़िगर करना होता है. उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिस्टम यूनिट की केसिंग को ओपन करना पड़ता है, उसके अलावा मदरबोर्ड को एवेलुएट करना पड़ता है, और स्लॉट में इन्हें फिक्स करना पड़ता है. तो उस केस में इनकी इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है वो टफ हो जाती है, बट ये कम एक्सपेंसिव होते हैं. उनकी जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मॉडम, वो हमारे पास स्लो होती है. नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है वायरलेस मॉडम. इट ट्रांसमिट डाटा सिग्नल्स थ्रू एयर. जो वायरलेस मॉडम होते हैं, ये एयर के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करते हैं, मीन्स इसमें किसी किस्म का फिजिकल जो मीडिया होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता. इट इज़ आल्सो नोन एज अ रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडम. इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडम भी कहते हैं. इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो रेडियो फॉर्म्स के, रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा होता है. रेडियो वेव्स जो सी होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जो किसी भी ऑब्स्टेकल्स के थ्रू पास की जा सकती हैं. जो वायरलेस मॉडम होते हैं, इनको बेसिकली हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी यूज़ करते हैं वायरलेस लैन कनेक्टिविटी के लिए. यू कैन सी डायग्राम हमारे पास. जो वायरलेस मॉडम होते हैं उनके अंदर एक मॉडम होता है और उसके अलावा एंटीनास लगे होते हैं जिसके थ्रू ये डाटा जो सा वो ट्रांसमिट कर देते हैं. तो ये थ्री बेसिक हमारे पास टाइप्स होती हैं मॉडम्स की, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाते हैं. सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.